सरकार के विधायक आएंगे, तमाम नेता बीजेपी के आएंगे, तो क्या कहने वाले हैं? कुछ एरिया ऐसे है कि जहाँ उनके लिए तो नो एंट्री है। देखो, हमारी सोसाइटी में आए या हमारे एरिया में आए तो तुमको भगाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। गुजरात में क्या है माहौल, ये लगातार हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा भी रहे हैं कि ग्राउंड में क्या कुछ लोग कहने वाले हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। फिलहाल गुजरात में क्या खेला होने वाला है या फिर सत्ता एक बार फिर से रिपीट होने वाली है, तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। क्या नाम है सर? प्रवीण भाई चावड़ा। चावड़ा साहब, क्या माहौल है गुजरात में, पहले बताइए क्या काम करते हैं आप? पहले मैं एक साल पहले रिटायर्ड हुआ, जो सिटी बस है AFTS बोलते हैं जिसको, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उसमें सर्विस करता था। 16 साल तक मैंने सर्विस की, मेरे को परमिनेंट नहीं किया और लास्ट संविदा पे थे। हाँ, वो उसने कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया था। 5 साल का जो गवर्नमेंट का रूल्स है, फिक्स पगार में रखते बाद में परमानेंट करते, वो भी नहीं किया। और लास्ट 7 ईयर्स से, यानी 7 साल से हमको 412 पर डे देते, जिस दिन नौकरी करूँ उस दिन ही मिलता है। बाकी जो चालू नौकरी पे कुछ भी हो जाओ, अपने को एक्सीडेंट भी हो जाओ या बीमार हो जाओ, वो भी खुद के खर्चे से करना पड़ता है। एग्रीमेंट पे है, जब काम पे बुलाते हैं तभी पैसे मिलता है। हाँ, वो पे कितना पैसा मिलता है? 412 पर डे डेली सर्विस, जब जाओ तब मिलेगा, नहीं जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये हाल है, मेरा 16 साल नौकरी हो गया, मेरे को कुछ मिला नहीं, आज मैं फिर ऑटो चलाने लगा हूँ। अच्छा, इतनी महंगा करूँ कि अभी हाल ऑटो चला रहा हूँ रिटायर्ड होने के बाद। मेरा 60 ईयर है अभी। अच्छा। मेरा एज 60 हो गया। हाँ। अभी 60, ये मेरा कुछ मिला होता मेरे को कुछ पैसे, तो मैं कुछ भी मेरे बच्चों के लिए कर सकता। मतलब इतने सालों DT से बस चलाने के बाद अब ऑटो चला रहे हैं? अब ऑटो चला रहा हूँ, मैं कंडक्टर में था और अभी वो नौकरी भी हमारी बहुत टफ थी। अच्छा, ये बताइए गुजरात में फिलहाल चुनाव भी है और क्या क्या मुद्दे हैं जनता के पास? बस ये तो खास का बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी ज़्यादा मुद्दा है। हाँ। और महंगाई दूसरा मुद्दा है। जहाँ देखो वहाँ बेरोजगारी है, और जहाँ जो प्राइवेट एज असाइन किया है, खानगीकरण बोलते हैं जिसे, उसमें जो देना पड़ता है वो डेली वेजेस गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक भी नहीं मिलता। सरकार कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन से फ़ायदा होगा, जल्दी जल्दी काम होगा। यहाँ तो कुछ फ़ायदा नहीं। यहाँ कई हमारे लड़के यहाँ से ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट, ऐसे प्राइवेट में जाते हैं तो उसका शोषण ही हो रहा है। जो उसको अपने डिग्री के मुताबिक पैसे मिलने चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए, उतनी मन नहीं मिल रही है। डिग्री के मुताबिक नहीं, डिग्री के मुताबिक नहीं मिल रही है। और मोदी साहब बोल रहे थे पकौड़े तलो, अभी सब पकौड़े तल गए तो खाएगा कौन, लाएगा कौन, खरीदेगा कौन? सब डिग्री वाले पकौड़े तले गए। यहाँ भाई एक लारी अपनी यहाँ लगा दो तो कॉरपोरेशन वाले आगे उठा ले जाते। अब खुद की दुकान लाने के तो पैसे नहीं, तो पकौड़े तलेंगे कहाँ से? बताइए, अभी इस बार परिवर्तन का माहौल है या फिर सरकार रिपीट होने वाले, क्या सोच रही जनता इस बार? बस होनी चाहिए, अब तो कंटाल गए, बहुत कंटाल गए। मतलब कंटाल का है, मतलब गुजराती भाषा में बोले तो परेशान हो, परेशान हो गया। अभी तो सत्तावर्तन परिवर्तन ही होना चाहिए। आप क्या काम करते हैं? ऑटो चला रहा हूं। आप भी ऑटो चलाते हैं, क्या सोच रहे हैं ऑटो वाले इस बार, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं? ये मुद्दे यही है। हाँ। ये सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा, मुद्दा ही यही है। हाँ। समस्या क्या है? हाँ। समस्या बेरोजगारी। हाँ। मेघवारी। हाँ। सब बढ़ गया है। अगर पूरे देश में गुजरात में बेरोजगारी होगा तो भैया और प्रदेश वाले क्या करेंगे? यहाँ से तो तमाम बड़े बड़े नेता आते हैं। हाँ, कौन आता है? कोई नहीं आता। इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तमाम नेता हैं, यहाँ तो रोजगार खूब। उद्योगपति उनका करते हैं, हमारा गरीब इंसान का नहीं सोचते। अच्छा। हाँ, गरीब इंसान क्या करेगा, मर जाएगा भूख से। बेरोजगारी की समस्या ही बताने की, बेरोजगारी की समस्या। हाँ, वो बेरोजगारी है। और ये लोग ज़्यादातर अभी सब लोग मतलब अपने उद्योगपतियों को सब प्राइवेटाइजेशन करने लगे हैं, जैसे LIC है, रेलवे है। अरे उद्योगपति यहाँ से आते हैं तो यहाँ तो रोजगार ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, यहाँ गुजरात में होना चाहिए। ये अदानी की कोई पहचान नहीं थी और अभी तुम देखो कि पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आ गया है। तो ये लोग उनको ही मतलब वही देश चलाते हैं, ये लोग खाली सब ऐसे बैठे ही है। अच्छा। सब उद्योगपति वही देश चलाते हैं। अच्छा। बाकी तो ये सब कठपुतली की तरह बैठे हुए हैं। ज़्यादा परेशान हो गई है। हाँ, परेशान यानी बहुत परेशान, सभी मतलब सभी मुद्दों से, एक ही मुद्दों से नहीं, बहुत सारे टॉपिक है उसमें। ठीक है, सारे मुद्दे हैं। आप बताइए सर, क्या नाम है, क्या नाम है? धर्मेंद्र चौहान साहब, इस बार क्या सोच रहे हैं गुजरात में, का क्या माहौल है, परिवर्तन सोच रहे हैं, क्या मुद्दा है इस बार? ये इसमें एक बात बता दूं आपको कि जो सुन ये लड़का बोला ना वो सही बात है कि ये अभी जो सत्ता चला रहे हैं ना वो सब बिजनेसमैन लोग ही चला रहे हैं, बराबर है। आम
आम जनता को तो परेशानी है, जीएसटी लगाओ कि कुछ भी लगाओ जीएसटी लगता है बराबर। वो चार दौर से गुजर के जीएसटी हमारे पास आता है बराबर, और हमको जीएसटी वो सबका जीएसटी हमको ही देना पड़ता है बराबर। सब जहाँ से निकलता है बराबर है उसको जीएसटी कटता है, उसके दूसरे बाद उसको जीएसटी कटता है, छेले सब सबसे ज़्यादा जीएसटी हमको ही भरना कहता है, सबका जीएसटी तो निकल गया। तो ये बताइए सबसे ज़्यादा इनकम भी होती है नहीं होती है? इनकम कहाँ होती है, अभी 8,000 रुपये पगार सैलरी मिलती है, 10,000 सैलरी मिलती है, ज्यादा सैलरी तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, इस बार क्या सोच रहे हैं? 12-12 घंटे मजदूरी करनी पड़ती है। अब की बार सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं, परिवर्तन सोच रहे हैं सरकार? परिवर्तन तो अब की बार ऐसा है कि दिल्ली में जो अभी चल रहा है आप बराबर है, तो मैंने बोला वही आना चाहिए सर। कुछ ये बोलता है विकास किया, कौन सा विकास किया? दिल्ली में तो उसने बता ही दिया, सबका बिल माफ कर दिया बराबर है। और जो स्कूलें चल रही है वो गवर्नमेंट स्कूलें चल रही है अभी, इतने सालों सरकार रही कुछ काम नहीं किया, ग्राउंड पे नहीं हुआ कुछ, नहीं कुछ कुछ नहीं किया, कोई विकास ही नहीं है। नहीं तो सरकार जो बताती है कि भैया गुजरात मॉडल देखो गुजरात मॉडल देखो, तो वो कौन सी बात करती है? अभी वो तो मालूम नहीं है बराबर है, पर गुजरात की जनता को नहीं मालूम है तो किसको मालूम है? विकास हुआ ही नहीं है। क्या बताइए क्या सोच रहे हैं? अरे बता दीजिए नाम तो बता दीजिए। कुछ नहीं चलता है, जाने दो ना यार, 8 महीने से घर बैठा हूँ। 8 महीने से घर बैठे हैं? बोलो। बहुत परेशान हो गए हम। तो क्यों बैठे हैं, रोजगार वगैरह नहीं है? रोजगार है, बंद करवा दिया ना मोदी जी ने। क्या रोजगार था आपका? हमारे फैक्ट्री का अपर लाइन की, हमारे सेठ की। मोदी जी ने कैसे बंद करवा दिया? ये गंदा पानी के हिसाब से। अच्छा, पानी छोड़ते है बराबर नाला नाले में, उसमें बंद करवाया तब का, तो चलती नहीं है फैक्ट्री। अच्छा, अभी क्या है, चुनाव भी आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग? परिवर्तन चल रहा है माहौल, या फिर सरकार को दोबारा लाने की सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सरकार तो अब दोबारा आ ही नहीं सकती ना अब। अच्छा, अब तो ये सरकार गिर ही जाएगी। अच्छा, सोच लिया? हाँ सोच लिया, आपकी बात तो मोदी सरकार गिरेगी। गुजरात से ही भेजा था आप लोगों ने, मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, सब कुछ बनाया, सबको बनाना है बराबर। आज तक अपन कांग्रेस को चलाया, 60 साल चलाया ना, तो अभी मोदी को भी चलाया, फिर देख लिया आपने 8 साल में, देख लिया ना मोदी को, कांग्रेस को 60 साल में अपने देखा, तो सबको खाता और खिलाता था भाई, ये तो कुछ खिलाता ही नहीं है ना, वही खाता है। अच्छा, मैं जनता को इनकम नहीं होती? हाँ, जनता को इनकम होगी तो जनता आगे आएगी ना। ये सब प्राइवेट कर दिया बराबर, खानगी कर दिया, सरकारी था वो भी। वो तो कह रहा है प्राइवेटाइजेशन से फायदा होगा, फायदा गिनाते हैं सरकार? फायदा गिना तो सरकार का फायदा है ना, पब्लिक का तो नहीं है ना। तुम्हारे घर में कोई नौकरी वाला हुए? जिस समय सरकार बनाया था 2014 में आप लोगों ने यहाँ पर, और केंद्र ने बैठा था, उस समय कहा था कि भैया गुजरात की तरह पूरे देश को बनाएंगे, और गरीब परिवार से हैं, गरीब परिवार की सुनेंगे। हाँ तो कभी कहा सुनी है उन्होंने? बोला बराबर, उन्होंने जो भी बोला उसका कुछ अमल तो किया नहीं ना। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं कुछ? हाँ जी, हम सुनो। हाँ बताइए। महंगाई जो है ना, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ ना, तब से है न है। कोई भी सरकार आएगी महंगाई तो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, एक बात है। इंदिरा गांधी ने जो राजा रजवाड़े थे ना, इनके सालियाने बंद किए, तो मोदी को बोलो कि सालियाने बंद करो तो महंगाई जाएगी। अच्छा, मतलब विधायक सांसदों के? हाँ जी। अच्छा, ये कितने, इनको तो लाखों नहीं करोड़ों रुपये का मुनाफा है जो सेवा करने आते हैं उनको, बाकी पब्लिक तो जो है सो है। अच्छा, ये क्या इस बार परिवर्तन सोच रहे हैं, सरकार बुलाने की सोच रहे हैं क्या? जरूरी है, जरूरी है परिवर्तन, जरूरी है। 26-27 साल देखा कुछ काम हुआ नहीं? हुआ नहीं, वैसे हुआ भी है, नहीं हुआ ऐसा नहीं। क्या हुआ? अरे वैसे हमारे यहाँ रोड भी अच्छे हुए हैं, कोई वैसे जो जो पब्लिक का जो है दवाखाना है ये सब भी, वो सब अच्छा हुआ, कुछ कुछ मुद्दों पे काम, हाँ काम हुआ है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? बोलो, बड़े शांत बैठे हैं, तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। नहीं तो आप बात बताइए भी ना, हम तो आपकी सुनने आए हैं। हमारे की बात है ना, तो वो रिवर फ्रंट बनाया अच्छा, कांकरिया अच्छा बनाया, हॉस्पिटल अच्छी बनाई, फीस कर दी जाने की। ये जो बोलते हैं कि हमारा कांकरिया लेक का वो काया पलट कर दिया, अच्छा बना दिया, रिवर फ्रंट अच्छा बना दिया, उसमें अभी एक ब्रिज और बना है वॉकवे, वो गार्डन जो करने करने आए लेकिन उसमें फीस कर दिया, गरीब कहाँ से जाएगा? 30 रुपये गरीब, 30 रुपये का कोई गरीब होगा बेचारा? आपने मान लो कि 3 बच्चे दो वो है, पांच एक फैमिली के वहाँ जाएंगे तो 150 रुपये उसको वहाँ भरना पड़ेगा। अभी पूरे दिन की उसको 300 रुपये मजदूरी नहीं मिल रही है,
तो 150 रुपया वहाँ जाएगा, 150 रुपया आने जाने का, ऑटो का किराया होगा, कुछ बच्चे मांगेंगे खाएगा। अच्छा ये बताइए कि अभी बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि भैया जो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी जो वादे कर रही है वो फ्री की रेवड़ी बांटने के वादे कर रही है। भाई रेवड़ी को देखा जाए तो रेवड़ी तो वहाँ से ही चालू हुई थी पहले भाजपा से। अच्छा। 15 लाख की रेवड़ी, सबसे बड़ी रेवड़ी 15 लाख की, जो आज तक मिली नहीं है, कभी मिलेगी नहीं, उससे बड़ी रेवड़ी क्या हो सकती है। अगर नेता लोग एक बार तीन बार जितनी भी बार MLA बने MP बने उनको पेंशन मिलती है तो वो रेवड़ी नहीं है। और ये जो केजरीवाल बोलता है कि मैं सबको पेंशन दूंगा, यानी जो कर्मचारी है सरकारी उनको पेंशन देने का वादा किया तो वो गलत है नहीं। और ये जो और भी वादे किए फ्री बिजली, तो ये नेता लोगों को कितना फ्री बिजली मिलता, मोबाइल बिल मिलता है, रहने का फ्री मिलता है, मेडिकल फ्री मिलता है, तो वह रेवड़ी नहीं है। तो ये जो जनता का रेवड़ी लगता है, जनता को देना है वो रेवड़ी बोलते हैं। और जनता जनता को देगा वो जनता के पैसे ही है। सरकार में पैसे आते वो जनता के, एक छोटा बच्चा एक गोली लेगा तो उसमें भी GST तो है, तो बच्चा भी टैक्स तो देता ही है ना। आदमी मर भी जाता है ना तो उसकी जो होती है ना लास्ट में लाना पड़ता सामान, उस पर भी GST है, दवाई पे GST, तो वो क्या वो पैसे सरकार में जाते हैं। ये बताइए कि अभी मतलब जो आप लोग रहते हैं घूमते होंगे तो क्या बातें चल रही है, क्या माहौल चल रहा है, मतलब वही जानना चाह रहे हैं दिखाना। माहौल तो एक ही चला, बस परिवर्तन बहुत हो गया। इसको सरकार आएगी, सरकार के विधायक आएंगे, तमाम नेता BJP के आएंगे, तो क्या कहने वाले हैं। अभी आप जो बोलते हैं सभी वो तो अशक्य है, वो आएंगे वोट मांगने के लिए, बोलेंगे एक बार भैया लास्ट टाइम एक नहीं उनको तो पहले से ही रास्ता दिखा दिया है सब लोगों ने। अच्छा, कुछ अहमदाबाद के कुछ एरिया ऐसे है कि जहाँ उनके लिए तो नो एंट्री है। अच्छा, हाँ नो अहमदाबाद में कई इलाके ऐसे, कई लोग ऐसे कि देखो हमारी सोसाइटी में आए या हमारे एरिया में आए तो तुमको भगाएंगे। क्यों भगाएंगे, 5 साल तक दिखे नहीं कुछ पब्लिक का काम। दूसरे स्टेटों में चुनाव होता है तो वहाँ बातें करते हैं कि भाई गुजरात को देखिए ऐसा ही बनाएंगे, तो गुजरात मॉडल को बाहर बहुत अच्छा। हमारे गुजराती में कहावत है जो पहाड़ होता है वो दूर से अच्छा लगता है, यानी डूंगरा दूर थी रणियामणा, यानी जो पर्वत होता है वो दूर से देखो तो अच्छा लगता है। या उन लोगों का ये गुजरात का मॉडल दिखा दो उन लोगों को अच्छा लगता है, यहाँ आके देखो तो पता चलेगा क्या गुजरात क्या है। चलिए भैया देखिए यहाँ की जनता बता रही है कि भैया आखिर गुजरात मॉडल क्या है और क्या कुछ। वो नरेंद्र मोदी 17 तारीख को अपने बर्थडे करते दिन बेरोजगारी दिवस, हाँ तो वो हर साल अहमदाबाद में आते हैं ना, वो गांधीनगर आते हैं, अहमदाबाद में आते हैं ना पूरा 100% आते हैं ना, याद है ना तुमको। तो इस ये 17 तारीख को क्यों नहीं आए मैं तुमको पूछता हूँ, क्योंकि गांधीनगर में क्या पता, वो तो मोदी जी को पता होगा ना क्यों नहीं आए। वो गांधीनगर में सब लोग वो बैठे हैं ना धरने पर। अच्छा। इनके डर से हिसाब से नहीं आए वो गवर्नमेंट पर। चलिए भैया ये पब्लिक है और सब जानती है और सब बता भी रही है कि क्या कुछ माहौल है गुजरात में, और क्या कुछ माहौल है गुजरात में ये भी हम लगातार दिखाने की बताने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या इनके मुद्दे हैं, क्या असली ग्राउंड के मुद्दे हैं, ये आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।